आफ्टर यूजिंग वन मंथ आज हम रिव्यू करेंगे इस रियलमी का TWS। दोस्तों ये जो रियलमी का TWS है इसका नाम है रियलमी टेक लाइफ बड 100। ये एक रियलमी की तरफ से आने वाला अंडर 2000 वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। क्योंकि मैं एक महीने से इसे यूज कर रहा हूँ, उसके बाद आपके सामने इसका रिव्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज अभी नया नया मंगाया हूँ और इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अच्छा समझ गया, ठीक है, एक महीने से यूज कर रहा हूँ, बस डब्बा तो आपको दिखाने के लिए लिया हूँ कि पता चल जाए कि हाँ रियलमी का ही ऑथेंटिकेट प्रोडक्ट है। चलो मैं इसे ओपन तो है ही, दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। और ये ओपन करने के बाद इसमें से आ जाता है हमारे पास, आता है फालतू का चीज जिसे हम करते हैं साइड, और फिर काम के चीज पे आते हैं, डब्बे को भी करते हैं थोड़ी देर के लिए साइड। और इसमें से निकालते हैं हम अपने ईयरबड के केस को, और फिर ये रहा हमारा ईयरबड जो कि है रियलमी टेक लाइफ बड 100। अब दोस्तों इसे हम करते हैं ओपन, लेकिन ओपन करने से पहले ये दोस्तों जो आता है एक इन हैंड फील इसका जो है काफी मतलब अच्छा है, मैट फिनिश के साथ आता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। हाँ ये मैं जरूर बोलूंगा कि इस पे जैसा इन्होंने क्लेम कहा था कि ये स्क्रेच फ्री है, तो ऐसा नहीं है, इसमें थोड़े बहुत स्क्रेचेस आते हैं क्योंकि मैं एक महीने तक इसे बहुत रफली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यूज करते करते पैकेट में लेकर जाता हूँ, काफी रफ यूज कर रहा हूँ, इसमें काफी सारे स्क्रेचेस तो आ गए हैं। मैट फिनिश था ये बोले कि स्क्रेच नहीं आएगा, स्क्रेच तो आए हैं, लेकिन यूज करने में जो इसकी साउंड क्वालिटी है भाई साहब ओसम। Control. मैं आपको इसकी रिकॉर्ड की एक क्लिप भी सुनाऊंगा, बेसिकली मैं इससे अभी रिकॉर्ड ही करूंगा, अभी तक वीडियो जो बन रहा है वो मेरे माइक से बन रहा है, इसके बाद जो शूट होगा वो आप डिफरेंस देख पाएंगे। अब जो वीडियो शूट होगा ये इसके इनबिल्ट माइक से शूट होगा। दोस्तों अब मैंने कर लिया इसे ओपन, ये हो जाएगा मेरे फोन से कनेक्ट, और फिर मैं इसे पहनता हूँ अपने कान में। और देखिए ये इसकी जो वेट है ये काफी लाइट वेट है, ऐसा नहीं है कि आपके कान पे मतलब ऐसा बोझ सा लगेगा। अब मैंने इसे लगा लिया, देखिए इतना ऐसे आप सर कितना भी हिला लें, आप जिम कर लें, गाना गा लें, एक्सरसाइज कर लें, रनिंग जंपिंग कुछ भी कर लें, आपके कान में फिट आता है, गिरेगा नहीं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। किसी किसी के ईयर कैटेगरी अलग होते हैं, तो उसके लिए मैं ऐसा नहीं बोलना कि आपने बोला था कि हाँ गिरेगा नहीं, बट मेरे केस वैसा है कि ये मेरे ईयर में फिट आता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई जिम कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई हैवी रनिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये गिर जाएगा। ये इन ईयर इतने मतलब परफेक्ट आते हैं कि ऐसे मैं खींचू भी तो भी मतलब ये एक बार इन ईयर लॉक हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लॉक ही रहते हैं। चार्जिंग की बात करें तो ये क्लेम करते हैं कि 10 मिनट ऑफ चार्ज में इनके जो बड्स हैं ये 110 मिनट तक का बैकअप देते हैं, और मैं कहीं बोलूंगा कि वो उससे ज्यादा ही देते हैं, क्योंकि मैं इन्हें बिल्कुल डिस्चार्ज करके 10 मिनट चार्ज में करा और मैं तकरीबन 2 घंटे तक मूवी देखते रह गया, फिर भी इनके चार्ज खत्म नहीं हुए, तो इस बात में तो भाई साहब मानना पड़ेगा मेरे तरफ से 5 स्टार रियलमी को। अगला बात करते हैं कि इनकी जो केस है इन्होंने मतलब ऐसा कोई टाइम तो नहीं दिया परफेक्ट कितना देर में चार्ज हो जाएगा, बट मैं बताऊंगा ऑन अराउंड 40 to 45 मिनट में मतलब 0 to 100 होता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये 1500 के बजट में 4099 में मैंने इसे परचेज करा था, इस बजट में ये सिर्फ इकलौता ऐसा ईयरबड है। एप्लीकेशन भी अलग से आता है, उसमें आप फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं, इसमें आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं, गेम मोड में कर सकते हैं, काफी सारे अलग अलग मोड दिए गए हैं। इसका फर्मवेयर अपडेट मतलब अभी तक 1 महीने में 2 बार आ गया, ये अच्छी बात है कि अपने मतलब प्रोडक्ट को ध्यान देते रहते हैं, उनमें किसी भी चीज का अगर सॉफ्टवेयर का कमी हो तो अपडेट भी करते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस प्राइस रेंज में इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है, और काफी सारे इसमें फीचर है, मैं उतना गेमिंग वगैरह करता तो नहीं हूँ, बट मतलब इसमें 5 ms की लेटेंसी दे रखी है जो कि एक सुपर लो लेटेंसी तो नहीं होता, बट हाँ डिसेंट है, गेमिंग के लिए भी सही ही है, गजब बेइज्जती है। और रहा बात इसका, तो ये एक बार अगर चार्ज हो जाए तो ये 28 घंटे का बैकअप क्लेम करते हैं कंपनी वाले, और मैं भी बोलूंगा 28 से थोड़ा ज्यादा हो जाता होगा, लेकिन अभी कम तो नहीं होता, डेफिनेटली कम नहीं होता, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो ये मतलब 3-4 बार आसानी से इसे बड को ये चार्ज करता है, और एक बार बड चार्ज होता है तो तकरीबन 8 घंटे ऐसे चल जाता है, तो आप जोड़ लो मतलब 4 बार प्रॉपर चार्ज नहीं करता, 3 बार तो पूरे पूरे करता है, और एक बार थोड़ा बहुत करने के बाद ये डिस्चार्ज होने लगता है, तो समझ लो कि तकरीबन मैं भी बोलूंगा ये 28 से 30 घंटे चले जाते हैं, तो इसमें जो कंपनी ने क्लेम करा है काफी सही है। और जो अभी आप ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं हमारी वीडियो की, ये हम इसी वर्ड से कर रहे हैं, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि इसकी वॉइस क्वालिटी भी, इसकी एक्स्ट्रा नॉइज कैंसिलेशन, ये सारी चीजें परफेक्ट है, ऐसा नहीं आप कॉल पे बात करिए, आप इंडोर में करिए, आउटडोर में करिए, दोनों जगह परफेक्ट है। आउटडोर में अगर कहीं बहुत ज्यादा नॉइजी होगा और बहुत तेज हवा चल रही है तो वहां पे थोड़ा बहुत वॉइस लैग की प्रॉब्लम मैंने नोटिस करा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मतलब मैंने इसे जहां भी टेस्ट कराया 1 महीने से रफली यूज कर रहा हूँ, और एक्सट्रीम टेस्ट करने के बाद ही आप मतलब ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, जो अगर लगता है कि मैंने वीडियो में नहीं बताया, या फिर आपको कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा पता हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।